सेल द्वारा लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अब जनपद में सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पुलिसकर्मियों को दो दो मुकदमे आवंटित किए जाएंगे, जिससे उनकी पैरवी पैरोकार के माध्यम से त्वरित तरीके से कराई जा सके, जिसका परिणाम बेहतर हो और दोषियों को सजा मिल सके। इस क्रम में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र के समस्त सब इंस्पेक्टरों के साथ बैठक कर इस कार्य की योजना की जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो इस नाते मैं नाम भेजूंगा, ये मीटिंग में आएंगे और उस रजिस्टर या डायरी के साथ में, रजिस्टर डायरी जो भी आप बनाए, A4 साइज का आपका पेपर हो उस पे बना लीजिए, उतनी बड़ी हो, वो छोटी पॉकेट डायरी में मत लिख लीजिए। और मैं देखूंगा किसने क्या किया, ठीक है? अब ठीक, बस वही जो यहाँ की मिट्टी खत्म करनी चाहिए उसको वहां कर लेते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माननीय न्यायालय में पैरवी एक बड़ा अहम हिस्सा है। उस पैरवी को बड़े निकट से मॉनिटरिंग करने के लिए सभी जनपदों में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन हुआ है। गोरखपुर की मॉनिटरिंग सेल ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया था, ये आप सभी के संज्ञान में है। उसी को और आगे बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग सेल का एक तरह से विस्तार किया गया है कि अब जनपद में जितने भी सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं, सबको दो दो मुकदमे उनके नाम से आवंटित किए गए, ताकि उसकी पैरवी को पैरोकार के माध्यम से न्यायालय में त्वरित तरीके से वो कर सके और बेहतर परिणाम हो सके, दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में सजा मिल सके। उसी मामले में सेंसिटाइज करने के लिए आज जनपद के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया था और उनको इस बारे में बताया गया कि पैरवी की क्या क्या बारीकियां हैं और किस किस तरीके से उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो आज का आधुनिक सूचना तंत्र है हमारा, उसके माध्यम से भी अगर हम प्रयास करें तो और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। समन तामीले के लिए सिपाही लेके जाएंगे, लेकिन अगर जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं उसमें उस गवाह को हम व्हाट्सअप कर दें, टेलीफोन से बात कर लें, पुलिस या मेडिकल डिपार्टमेंट के या किसी अन्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें गवाही में आना है उनसे अगर हम वार्ता कर लें, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर लें, तो इसमें तेजी आएगी। तो उसी संदर्भ में ये एक तरह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।